कृषि दर्शन कार्यक्रम देखे वाला किसान भाई लोग के गोड़ लगे थी। कृषि दर्शन कार्यक्रम में अपने सबके स्वागत है। किसान भाई लोग, धान हमारा बिहार राज्य के प्रमुख फसल है, जेकर खेती किसान भाई लोग हमारा यहाँ खरीफ के मौसम में करिए तन। कृषि के लायक कुल उपलब्ध जमीन है, उसमें सबसे ज़्यादा क्षेत्र में धान के खेती हुई थे। वैज्ञानिक विधि से अपने सब धान के खेती कैसे कल जाए, ये विषय पर हम आज अपने के जानकारी दियाबे के प्रयास करब। ये उद्देश्य आयल हती भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा समस्तीपुर के शाखा में। हमारे साथ में कृषि वैज्ञानिक हतन, वरीय कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सी बी सिंह जी, जी अपने के जानकारी दिए कि वैज्ञानिक विधि से अपने सब धान के खेती कैसे कल जाए। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब अपने के। सबसे पहले डॉक्टर साहब, हम जानना चाहते हैं कि धान जो है हमारे भारत की प्रमुख फसल है, बिहार की प्रमुख फसल है, और सबसे ज़्यादा क्षेत्र में धान की खेती होती है, पूरे देश के पैमाने पर भी और बिहार में भी। हमारे बिहार में गर्मा में भी खेती होती थी, लेकिन सब पारंपरिक विधि से जो खेती होती आ रही है, खरीफ के मौसम में भी होती है, और सबसे ज़्यादा क्षेत्र में खरीफ में ही खेती होती है। खरीफ का मौसम अभी शुरू हो चुका है, तो वैज्ञानिक विधि से धान की खेती हमारे किसान कैसे करें, उसके बारे में हम आपसे जानकारी चाहेंगे। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं ज़मीन का चुनाव, खेत का चुनाव, तो धान की खेती के लिए खेत के चुनाव में किसान क्या सावधानी बरतेंगे? समय किसान भाई, जैसा कि अभी बताया कि धान की प्रमुख फसल है, तो किसान भाइयों को धान की फसल करने में कोई भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए। इसके लिए भूमि का चुनाव और बीज का चुनाव और यथास्थिति के अनुसार पानी की व्यवस्था होना अति आवश्यक है। जहाँ तक प्रश्न उठता है भूमि का चुनाव, किसान भाई ऐसी भूमि का चुनाव करें जिसकी पीएच 5.5 से लेकर 7.5 के बीच में आती हो। इसमें किसान भाइयों की पैदावार में कोई अंतर नहीं आता। अधिकतर खेती करने के लिए जल निकास का होना बहुत जरूरी है, और खेती सबसे पहले वो भूमि जो भी आप ले रहे हैं वो उसकी किस्म दोमट या बलुई दोमट, जो चिकनी मिट्टी आदि जो होती है वो धान की खेती के लिए सबसे उत्तम है। इस मिट्टी में किसान भाई सबसे पहले ध्यान रखें कि खेत में समतल होना बहुत ज़रूरी है। वो किसान भाई अपने खेत को समतल कर लें। समतल करने के बाद फिर खेत को, जिन किसान भाइयों ने ढैंचा खेत में लगाया है, वो ढैंचा को पैदा अब लगभग 40-45 दिन का ढैंचा होने के बाद खेत में जुताई कर दें। जुताई करने के बाद फिर 2-3 जुताई और करें, फिर पानी लगाकर उसमें किसान भाई उसमें लेह युक्त या जिसको हम पडलिंग कहते हैं, खेत की पडलिंग की तरह पडलिंग बना लें। पडलिंग बनाने के बाद उसमें पौधरोपण की व्यवस्था करें। इससे पहले किसान भाई ये देखें कि उनको किस प्रकार की ज़मीन में कैसी किस्में लगानी हैं। तो मैं किसान भाइयों को ये बात कहना चाहूँगा कि बिहार के क्षेत्र में 3 तरह की ज़मीन है। एक ऊपरी ज़मीन है, एक मध्यम ऊंची नीची ज़मीन है, एक गहरी ज़मीन है, एक ज़्यादा सबसे ज़्यादा गहरी ज़मीन है। चारों तरह की मिट्टी और ज़मीन के लिए अलग अलग किस्मों का चुनाव करना किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक ऊंचाई ज़मीन की बात है, किसान भाई प्रभात, रिछारिया, सहभागिता आदि किस्मों का चुनाव करें। इसके अलावा साकेत 4, पूसा 2-21 भी अच्छी वैरायटी है जो ऊंचाई भूमि के लिए किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी जो मध्यम ज़मीन है, मध्यम ज़मीन के लिए किसान भाई सरोज, सीता, राजेंद्र महसूरी नहीं राजेंद्र कस्तूरी, राजेंद्र सुभाषनी और राजेंद्र भगवती जैसी किस्मों का चुनाव किसान भाई करें। इसके अलावा जो ज़मीन गहरी है, जहाँ 50-60 सेंटीमीटर पानी खड़ा हो सकता है, उसके लिए किसान भाई राजश्री, राजेंद्र महसूरी, श्वेता आदि किस्मों का चुनाव किसान भाई करें। जहाँ पर पानी इससे भी ज़्यादा खड़ा होता है, ज़्यादा 1 मीटर तक खड़ा होता है, 75 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक होता है, वहाँ पर किसान भाई सुधा और वैदेही नामक किस्मों का चुनाव करें। इस प्रकार के साहब किस्मों के चुनाव के साथ किसान भाई बीज अच्छी सरकारी संस्था से खरीदें। बीज स्वस्थ हो, गला सड़ा ना हो और उसकी अंकुरण क्षमता अच्छी हो, ऐसे किसान भाई उसका चुनाव करें। धान की खेती के लिए किसान खेत का चुनाव कैसे करें, और ख़ास करके जल प्रबंधन के लिए भी खेत की बनावट होनी चाहिए, गत समतलीकरण उसका आवश्यक है, जैसा कि आपने जानकारी दी है। प्रभेद के बारे में भी आपने जानकारी दे दी, कौन कौन प्रभेद किस ज़मीन के लायक मुनासिब है,
अब प्रश्न उठता है कि जो प्रभेद किसान लगाएंगे तो दो तरह से बुआई करते हैं, तो सीधी बुआई भी प्रचलित है प्राचीन काल से भी, आजकल ज़्यादा कृषि वैज्ञानिक जोर दे रहे हैं कि सीधी बुआई ही की जाए, लेकिन जो पारंपरिक विधि है हम उसी के बारे में आपसे जानना चाहते हैं। एक सूखी विधि है और नम विधि है बिचड़ा डालने की, तो नर्सरी तैयार करने की विधि क्या होगी, उसकी खेत की तैयारी कैसे करेंगे, सूखी विधि से नर्सरी कैसे डालेंगे या गीली विधि से नर्सरी कैसे डालेंगे, उसके बारे में कुछ जानकारी दें। बिल्कुल सही बात पूछी आपने। किसान भाइयों, आप जब नर्सरी डालते हैं तो ये ध्यान रखें कि लगभग जितना आपका एरिया, जितना क्षेत्रफल आपको बोना है, उसका 1/10 भाग में आपको नर्सरी का एरिया चयन करना है। जहाँ आपको नर्सरी डालनी है वो ज़मीन कम से कम 15 सेंटीमीटर ऊंची हो और उस भाग को अपने हिसाब से 1 से लेकर 1.25 मीटर चौड़ी पट्टियों के रूप में बांट लें। पहले उस नर्सरी के खेत के स्थान को चुनाव करने के बाद अच्छी तरह जुताई करें। जुताई करने के बाद आप उसको पडलिंग तैयार करें, यदि आपको गीली विधि से तैयार करना है, और 2-3 जुताई करके जब लेह युक्त हो जाए तब उसको अपनी सुविधा के अनुसार लंबाई लें और 1 से 1.25 मीटर चौड़ाई के रूप में उसकी क्यारियां बना लें। क्यारियां बनाने के बाद उसमें पानी भर लें, लगभग 5 सेंटीमीटर पानी उसमें भरने के बाद आप बीज को उसमें एक साथ समान रूप से छिड़क दें। इसके बाद आप उसको उसकी उसको देखभाल रखें पानी की, ये आप उसमें कर सकते हैं। दूसरा, सबसे पहले मैं बीज डालने से पहले मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि जो लीफ ब्लाइट, ब्लास्ट आदि बीमारी लगती हैं उनकी रोकथाम करने के लिए किसान भाई बीज का उपचार अवश्य करें। बीज का उपचार करने का सबसे अच्छा तरीका यह है, लगभग 25 किलो बीज के लिए 20 लीटर पानी में 2 किलोग्राम नमक मिला दें, उसमें 10 घंटे के लिए 12 घंटे के लिए बीज डाल दें। किसान भाई देखेंगे उसमें जो खाली बीज हैं, जो स्वस्थ नहीं हैं, वो सब ऊपर तैराएंगे और उनको किसान भाई अलग कर दें। इसके अलावा फिर और बीमारियों से रोकने के लिए किसान भाई 10 ग्राम बाविस्टीन और 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का घोल 20 लीटर पानी में मिलाएं। इसके बाद किसान भाई उसमें बीज को 24 घंटे के लिए डाल दें। 24 घंटे निकालने के बाद बीज किसान भाई छाया में सुखाएं और छाया में सुखाने के बाद उसको बोरी या टाट जिसको बोलते हैं ऊपर से ढक दें, बिछा दें नीचे भी और ऊपर भी बिछा कर उसके ऊपर हल्का हल्का छिड़काव करते रहें पानी का, जिससे उसमें बीज अंकुरित हो जाएं। बीज अंकुरित होने के बाद फिर उसका हम टाट या बोरी हटा लें और उसको हल्का सा सुखा लें बुआई करने से पहले और फिर समान रूप से उसमें छिड़क दें। ये तो आपने जानकारी दी गीली विधि के बारे में, या कादो करके जो किसान बीज का उछार करते हैं, इसको उछार बोलते हैं हमारे क्षेत्र में लोग, उसके बारे में। सिंचाई की समस्या है हमारे बिहार में, सभी जमीन सिंचित अवस्था में नहीं है, वर्षा आधारित धान की खेती भी हमारे बिहार में बड़े पैमाने पर होती है, तो अब सूखी विधि के बारे में भी कोई जानना चाहेंगे कि मान लीजिए वर्षा पर आधारित जो खेती है, बारिश हो जाती है, ज़मीन में पर्याप्त नमी हो जाती है, तो उसमें भी हमारे किसान प्राचीन काल से सूखी विधि से बिचड़ा डालते आए हैं, उसके बारे में कुछ बता रहे। हाँ, किसान भाई सूखी विधि से भी कर सकते हैं। उसके लिए जो भी उन्होंने चयन किया है स्थान का, उसको लेवल कर लें, उसको समतल बना लें और विशेष रूप से उसमें मोटे ढेले ना हों, और मोटे ढेले ना होने पर उसमें अच्छी तरह से किसान भाई गोबर की खाद बारीक महीन डालें। 1 हेक्टर की नर्सरी के लिए किसान भाई 8 से 10 कुंटल गोबर की सड़ी हुई खाद उसमें खेत में मिला लें और उसके बाद उसमें लेवल इकसार कर लें। इकसार करने के बाद किसान भाई उसमें फिर अपना बीज, अंकुरित बीज जो हमने डाला वो डाल दें और डालने के बाद में हल्का सा उसमें पाटा चला दें हल्का सा, और जिससे बीज थोड़ा सा ऊपर मिट्टी आ जाए। इसके बाद किसान भाई उसमें एक पानी दे दें। पानी देने के बाद वो 2-3 दिन तक पानी देते रहें, जब जरूरत पड़ती है, ज़मीन सूखने ना पाए, ज़मीन में दरार ना पड़े, इतना पानी किसान भाई रखें, और लगभग 20 से 25 दिन के बाद
नर्सरी पौध तैयार हो जाती है खेत में लगाने के लिए। बिचड़े का जब अंकुरण हो जाता है तो ट्रांसप्लांट करने के पूर्व उसकी देखभाल जरूरत होती है, रोपाई करने के पूर्व। तो बिचड़ा के अंकुरण के बाद और रोपाई के मुख्य रोपाई के पूर्व बिचड़े की देखभाल कैसे करेंगे? बिछड़े के किसान भाइयों को बिछड़े की देखभाल करने के लिए यदि बीज डालने के 3 या 4 दिन के बीच में 200 मिलीलीटर पेंडी मेथालिन किसान भाई डाल दें, ऊपर छिड़काव कर दें, जिससे जो घास निकलने वाली है वो मर जाए, ना निकले। इसके अलावा किसान भाई 10 से 12 दिन के बाद हाथ से निराई करके भी घास को निकाल सकते हैं, खरपतवार को निकाल सकते हैं, और उस टाइम पर किसान भाई लगभग 4-5 किलोग्राम यूरिया उसमें टॉप ड्रेसिंग के रूप में जरूर दें। अब प्रश्न उठता है उर्वरक प्रबंधन का। तो जब मुख्य रोपाई किसान करेंगे तो कंपोस्ट वगैरह तो पहले से डाल के रखते ही हैं खेत में, या जैसा आपने बताया ढैंचा या मूँग हरी खाद के रूप में पलट देते हैं। रासायनिक खाद की ज़रूरत भी पड़ती है धान की खेती में, तो रासायनिक खाद का प्रयोग कैसे करेंगे, कौन कौन सा खाद डालेंगे, कितनी मात्रा उसकी डालेंगे, और फिर खाद डालने का क्या तरीका होगा, और अंकुरण धान की रोपाई के बाद फिर नाइट्रोजन का प्रबंधन कैसे करेंगे? हाँ, मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि नर्सरी के टाइम पर भी हमको उर्वरक की ज़रूरत पड़ती है। गोबर की खाद के अलावा हम लगभग 10 से 12 किलोग्राम यूरिया और 15 से 20 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 5 से 6 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश भी हम गीली विधाई में पडलिंग करने से पहले किसान खेत में डाल दें। इसके अलावा किसान भाई जब 10 से 12 दिन की हमारी पौध हो जाती है तब भी 5 किलोग्राम यूरिया लगभग 1000 स्क्वायर मीटर में किसान भाई डालकर उर्वरक प्रबंधन कर सकते हैं। यदि किसान भाइयों को लगता है कि उनकी पौध पीली है हो रही है और जिंक की कमी लगती है, तो किसान भाई लगभग 500 ग्राम जिंक सल्फेट और 250 ग्राम चूना मिलाकर लगभग 100 लीटर पानी में पौध के ऊपर छिड़काव कर दें, उससे जिंक की कमी भी आएगी और पौध भी आपकी स्वस्थ होगी। इस प्रकार हम खाद उर्वरक प्रबंधन नर्सरी में कर सकते हैं। जहाँ तक प्रश्न उठता है मुख्य फसल का, तो किसान भाई लगभग 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है 1 हेक्टर के लिए, और 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस, 30 से 40 किलोग्राम पोटाश की प्रति हेक्टर इस फसल की अच्छी स्वस्थ बनाए रखने के लिए, अच्छी पैदावार के लिए आवश्यकता पड़ती है। किसान भाई विशेष रूप से ध्यान रखें कि संपूर्ण फास्फोरस और पोटाश की मात्रा अंतिम जुताई से पहले या पडलिंग के पहले खेत में डाल दें। इसके अलावा किसान भाई पौध लगाने के, जब पौध ट्रांसप्लांट करते हैं, पौध लगाने के 5 से 8 दिन के बीच में 1/3 नाइट्रोजन की मात्रा किसान भाई क्रॉप ड्रेसिंग के रूप में खेत में डालें। इसके अलावा अगली 1/3 मात्रा किसान भाई 25 से 30 दिन की फसल जब हो जाए तब उस पर टॉप ड्रेसिंग के रूप में डालें। तीसरी जो बची हुई शेष मात्रा है 1/3 नाइट्रोजन की, उसको 50 से 60 दिन के बाद अर्थात पेनिकल निकलने से पहले किसान भाई खेत में डालें। इस प्रकार वो किसान भाई उर्वरक की व्यवस्था प्रबंधन कर सकते हैं। जिंक सल्फेट डालने के लिए किसान भाई 20 से 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट अंतिम जुताई से पहले खेत में डाल दें। यदि खेत में कमी लगती है, जिंक की कमी लगती है, फिर किसान भाई 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट तथा 2.5 किलोग्राम चूना मिलाकर 200 से 300 लीटर पानी में मिलाकर खेत में छिड़काव करके भी जिंक सल्फेट की कमी पूरी की जा सकती है। ये तो उर्वरक प्रबंधन के बारे में वो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। अब है कि रोपाई की विधि क्या होगी। हमारे बिहार में जो किसान आमतौर पर धान की रोपाई करते हैं वो पंक्ति में नहीं करते हैं, ये सबसे बड़ी कमी है कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार। तो रोपाई की विधि क्या होगी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी क्या होगी, फिर पौधे से पौधे की दूरी क्या होगी, एक बात। दूसरी बात और हम आपसे जानना चाहते हैं कि आजकल संकर धान या हाइब्रिड धान का प्रचलन भी बिहार में बहुत अधिक हो चुका है,
उसके रोपण की विधि क्या अलग होगी या जो सामान्य धान की रोपण विधि है उसी का अनुसरण किसान करेंगे, इसके बारे में कुछ स्पष्ट रूप से हमारे किसान को जानकारी देने की कृपा करें। हाँ बिल्कुल सही बात पूछी। जो जो ऊंचास जमीन है, ऊंचास जमीन में जो किसान भाई ट्रांसप्लांट करते हैं पौधों को, तो 15 से 15 सेंटीमीटर पौधे से पौधे के बीच में 15 सेंटीमीटर, पंक्ति के बीच में 15 सेंटीमीटर की दूरी किसान भाई रखें, अर्थात एक वर्ग मीटर में लगभग 40 से 42 हिल कम से कम के उसमें खेत में आए किसान भाई इस प्रकार पौधे ट्रांसप्लांट करें। जहाँ तक मध्यम जमीन की बात है और जो मध्यम कालीन किस्में हैं उनमें किसान भाई 20 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति और पौधे से पौधों के बीच में 15 सेंटीमीटर की दूरी रखकर किसान भाई पौधरोपण करें। लगभग 32 से 32 हिल प्रति वर्ग मीटर में आने चाहिए, इससे किसान भाई अच्छी पैदावार ले सकते हैं। जहाँ तक संकर किस्म की बात है, संकर किस्म में भी किसान भाई 15 से 20 या 20 से 20 पौधे से पौधा 20 ही सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति के बीच में किसान भाई सुविधा अनुसार कर सकते हैं। जो सामान्य विधि की जो किस्में हैं उसमें 2 या 3 बिचड़ा किसान लगाते हैं और संकर किस्मों में सलाह दी जाती है कि 1 बिचड़ा लगाएं, तो इसके बारे में कोई बतलावें? हाँ हो, जहाँ तक समस्या आप बिचड़ा की संख्या की बात है, यदि पौध स्वस्थ है तो एक पौधा एक हिल में लगाना काफ़ी होता है। बीज की बचत करने के लिए और स्वस्थ पौध है लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर के बीच में आप वो पौध लेते हैं तो आप एक बिचड़ा एक हिल में लगा सकते हैं। और यदि आपको लगता है कुछ पौध मर गई है तो 5-6 दिन के बाद ही उसकी गैप फिलिंग करने के लिए किसान राही करें, इससे किसानों को बीज की बचत हो सकती है। अब रुपाई के बाद समस्या आती है खरपतवार नियंत्रण की। जैसा कि पहले ही आपने कहा है कि पेंडीमिथिलीन वगैरह का छिड़काव जो है बिचड़ा गिराते समय खेत में करना चाहिए। जो मुख्य भूमि है उसमें या तो खाली ज़मीन है रबी फसल से, तो ग्रीष्मकालीन जुताई भी किसान करते हैं तो इससे भी लाभ उनको मिलता है। कभी कभी ढैंसा उसमें दबाते हैं या मूंग दबाते हैं। खरपतवार की समस्या भी आती है, तो खरपतवार नियंत्रण के लिए मजदूर तो है ही विकल्प, लेकिन मजदूर का अतिरिक्त रासायनिक उपाय भी कुछ है रुपाई के बाद? रुपाई के बाद किसान भाई के जो खरपतवार नियंत्रण की बात है, वो रोपाई के 3 से 4 दिन के बाद मचेटी जिसको हम बोलते हैं या ब्यूटाक्लोर एक दवाई आती है मचेटी, या फिर एक दवाई है पेंडीमेथालिन को भी किसान भाई लगभग 3 लीटर, दोनों दवाइयों को 3 लीटर